और लालू जी ने इस आडवाणी जी के रथ को रोक कर, तो ये लोग तो इन लोगों को चौराहे पर फांसी पर लटका देते, ये संविधान की ताकत है कि लोग बचे हुए हैं। उसमें जब चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हुए प्रवेश कर रहे थे तो सर टकरा गया वो, क्योंकि प्रवेश करने का जो दरवाज़ा था वो इतना छोटा, तो बोला अरे कर्पूरी अपना घर तुम नहीं बनवा सकते हो, इसको तो जरा दुरुस्त कराओ। बोले कि एक मेरे घर बन जाने से क्या होगा, जबकि बिहार की बहुतायत जनता के सर के ऊपर छप्पर तक नहीं है। वैसे ही जैसे लखनऊ में चटक मटक बात बोलने की आदत वाजपेयी साहब को, बोले कि लालू प्रसाद बोलता कि बिहार की सड़कों को एक अभिनेत्री के गाल जैसा बना देंगे। अब बात बोले लखनऊ में अटल जी, अब मुँह में डाल दिया पटना में लालू जी के। आज हमारा देश जिस मोड़ पर खड़ा है उसमें समाजवादी धड़े की किसी पार्टी द्वारा जननायक कर्पूरी जी को याद किया जाना हमें मरुस्थल में ओएसिस की मानिंद नज़र आता है, तब जबकि वैचारिक विचलन बहुत तेज़ी से हम लोग देख रहे हैं, मूल्यों का क्षरण इस संसदीय प्रणाली में रोज़ हो रहा है। संसद की कार्यवाही या संसद सत्र के स्थानापन्न के रूप में हमको मन की बात सुनकर संतोष करना पड़ता है। कुल मिलाकर जिसको हम लोकतंत्र कह रहे हैं आज वह लोकतंत्र का महज प्रबंधन बन के रह गया है, और असामाजिक समाजवादियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। इतना बड़ा दल कांग्रेस के बाद, उसके इतने टुकड़े हुए कि कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, और पिछले कुछ वर्षों से जो हम देख पा रहे हैं इस देश के उन सूबों के नेताओं द्वारा जो पहले कभी अखिल भारतीय स्तर पर कोई पहल भी होती थी वह भी लगातार घटती जा रही है। एक बड़ा प्रयास जरूर हुआ था इन सभी समाजवादी दलों को इकट्ठा करने का, लेकिन वह प्रयास भी निष्फल रहा। लेकिन आगे ऐसी कोशिशें न हो ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए आज मुझे बेहद खुशी है कि कर्पूरी जी जिन मूल्यों को लेकर जीवन भर राजनीति करते रहे, आज़ाद भारत में 18 बार जेल गए, आपातकाल के दौरान रामविलास पासवान और रामजीवन सिंह के साथ नेपाल में थे, और यह भी इस देश के समाज का एक बड़ा ही छिछला और कड़वा सच है कि जो नेता अपने समाज की यथास्थिति को तोड़ने के लिए प्रयास करते हैं उनका चरित्र हनन भी किया जाता है। कर्पूरी जी पर तो किसी तरह के भ्रष्टाचार का कहीं कोई आरोप नहीं था, वो चार्ज सीटेड नहीं थे, लेकिन क्या वजह है कि यथास्थितिवादियों ने उनको माँ बहन बेटी बहू की भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा, कर कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर उस्तोड़ा, एमए बीए पास करेंगे कर्पूरिया को बांस करेंगे, ये आरक्षण कहाँ से आई कर्पूरिया की माई भी आई, और आपके उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, हमारे बिहार में कर्पूरी जी, और पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जब हुआ तो जगजीवन राम जी उस सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे, बांग्लादेश का जो मुक्ति संघर्ष है उस वक्त रक्षा मंत्री थे। उस वक्त किस तरह की टिप्पणी होती थी कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश कर्पूरी केस बनावे भैंस चरावे राम नरेश, मतलब इन लोगों की कविताई की इंतहा है। और जिस दल से मैं ताल्लुक रखता हूं राष्ट्रीय जनता दल,
लालू जी एक बार बिहार का एक छोटा सा ज़िला है खगड़िया, और जो कर्पूरी जी की जन्मभूमि है समस्तीपुर से सटा हुआ, लालू जी ने कहा कि जब आरक्षण की बात कर्पूरी जी करते थे तो लोग उनको भद्दी भद्दी गालियां देते थे, और जब मंडल कमीशन लागू कराने के लिए हम सब लोग सामूहिक रूप से माहौल बना रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तो जब लालू यादव रिजर्वेशन की बात करता है तो लालू यादव को गाली देने से पहले ये मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग अगल बगल देख लेते हैं कि कहीं कोई पिछड़ा दलित अकलियत आदिवासी सुन तो नहीं रहा है, ज़्यादा भचड़ भचड़ किए तो कुटेबो करेंगे। यही अभिव्यक्ति थी लालू प्रसाद जी की, और साथ में यह जोड़ा कि ऐसा इसलिए संभव हुआ कि कर्पूरी जी ने जो हमको ताकत दी और आप लोगों ने जो मुझ पर भरोसा जताया, उस वजह से इतिहास में ऐसे ऐसे अहम मोड़ देखने को मिले। किसी भी नेता का मूल्यांकन समग्रता में उनके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ही क्यों होता है? शरद जी कहते हैं कि यह मुर्दों का देश है, यहाँ मुर्दागिरी चलती है, जिंदा रहते हुए उनकी लानत मलानत करो। अभी कर्पूरी जी के बारे में वो लोग भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो उनके कैबिनेट में मिनिस्टर रहते उनको चीफ मिनिस्टर मानने को तैयार नहीं थे। अभी बता रहे थे कि 5 एकड़ तक की लाभकारी ज़मीन से मालगुजारी हटाने का काम किया, उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा बनाया, 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त करी। तो ये बातें तो उनके कैबिनेट के बहुत सारे मिनिस्टर्स उस पर सहमत नहीं हो रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता किन्हीं का। और किन लोगों ने 163 दिन की जो पहली सरकार थी कर्पूरी जी के नेतृत्व वाली, उनको गिराने का काम किया, और उसमें कुछ तो पिछड़े समाज के लोग भी थे। उस सरकार में 17,000 रिक्तियां सिर्फ सिंचाई विभाग में कर्पूरी जी ने निकाला, और एक सप्ताह के अंदर ये ज्ञानी ध्यानी लोग रामसुंदर दास जी को आगे करके जनसंघ के लोगों का उसमें बड़ा भारी योगदान, सरकार गिरा दी। गांधी मैदान में बुला के जिन लोगों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी ऐसे नौजवानों को बोला कि सीधे हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे, सरकार नहीं चली, तो उनका तो कोई दोष नहीं था। और कुछ लोग किस किस तरह का दुष्प्रचार करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर लालू जी बुलाया करते थे, अब बताइए। जबकि किस्सा यह है कि 1980 से 85 की जो विधानसभा थी उसमें विधानसभा के उपाध्यक्ष थे गजेंद्र हिमांशु जी, 85 का चुनाव वो हार गए बहुत कम वोटों से, चौधरी चरण सिंह जी के दांत में दर्द हो गया, एक सभा कैंसिल हो गई हसनपुर में, समस्तीपुर में, और बिहार की राजनीति की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। हुआ यह कि कर्पूरी जी ने विधानसभा उपाध्यक्ष जो 85 में जिनको बनना था, दो उम्मीदवार हो गए एक ही दल से, लॉटरी सिस्टम लगाया गया, शिवनंदन पासवान जी जीत गए। बाद में पता यह चला कि जो दूसरे उम्मीदवार थे बड़े तिकड़मी थे, और कर्पूरी जी बड़े ही व्यवहारिक किस्म के आदमी थे जिसको प्रैक्टिकल आप कहते हैं। यही वजह है कि महामाया प्रसाद की जो सरकार देश में 9 राज्यों में बनी थी संविध सरकारें, तो एक बिहार भी, और जिस सरकार में उप मुख्यमंत्री हुए कर्पूरी जी और शिक्षा मंत्री भी, जिसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की मैट्रिक में, तो ये तो अनोखा प्रयोग था। तो मैं यह कह रहा था कि कर्पूरी जी को लगा कि तिकड़मी बन जाएगा तो सदन को जैसे तैसे चलाएगा, तो दोनों जो पुर्जा था वो शिवनंदन पासवान जी के नाम से ही गोला बना के डाल दिया, शिवनंदन पासवान जी जीत गए। तो जो हारे वो कपटी ठाकुर बुलाने लगे। अब इसमें लालू यादव का क्या दोष है? लेकिन किस्सा जोड़ दिया, वैसे ही जैसे लखनऊ में चटक मटक बात बोलने की आदत वाजपेयी साहब को, बोले कि लालू प्रसाद बोलता कि बिहार की सड़कों को एक अभिनेत्री के गाल जैसा बना देंगे। अब बात बोले लखनऊ में अटल जी, अब मुंह में डाल दिया पटना में लालू जी के। तो इस तरह की शरारत होती है, इतिहास लेखन भी मनमाने तरीके से होता है, किंवदंतियां गढ़ी जाती हैं। यह तो संविधान है, नहीं तो कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर जो काम नेताजी ने किया, इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी का इस देश की मिट्टी में जो भरोसा है उसमें दोबारा उस भरोसे को रिस्टोर कराकर, और लालू जी ने इस आडवाणी जी के रथ को रोककर
तो ये लोग तो इन लोगों को चौराहे पर फांसी पर लटका देते। ये संविधान की ताकत है कि लोग बचे हुए हैं। तो कर्पूरी जी ने अपने वक्त में जो किया मुंगेरी लाल हसी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके, तो बिहार इस देश का पहला सूबा है जिसने आदिवासियों दलितों के अलावे पिछड़े समाज को रिजर्वेशन देने का काम किया। ठीक उसी वक्त राम नरेश जी ने भी किया था। मेरा सिर्फ इतना कहना है और इतिहास को याद करने का सिर्फ यही मकसद है कि जिस तरह से संविधान में असंवैधानिक किस्म के संशोधन हो रहे हैं, 32 दांत के साथ 10% इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन पिछली सरकार ने लाके हमको दिखा दिया। नरसिम्हा राव साहब ने भी ऐसी कोशिश की लेकिन 9 जजेस की बेंच ने उसको खारिज कर दिया कि रिजर्वेशन का पैमाना सोलली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नहीं हो सकता। हिस्टोरिकल एलियनेशन होगा तो ट्राइबल लोगों को देंगे, सोशल और हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होगा तो दलितों को देंगे, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर पिछड़ी जातियों को देंगे, जो 3743 जातियां मंडल कमीशन में समेटी गई। लेकिन आज तो आरक्षण को इस तरह से निष्प्रभावी बना दिया गया और बड़ी ही ब्रूटली उस रिजर्वेशन के आइडिया का मर्डर होता है और इसके मंत्री सरकार के बोलते हैं कि हम ऐसा बना देंगे कोई इफेक्टिव ही नहीं रह जाएगा। जब से अर्जुन सिंह साहब ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ों के लिए आरक्षण दिया, धीरे 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 सीट कट होना शुरू हुआ। 83% मैसिव सीट कट जेएनयू में हो गया, फीस बढ़नी शुरू हो गई। आप पढ़ लो, आप तो उनके पास तरह तरह के तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने के, जबकि संविधान यह मैंडेट देता है कि आप हर वो तरीके ईजाद करें जिससे कि आरक्षण लागू होने पाए। और कर्पूरी जी को याद करते हुए हमें उनके जाती जिंदगी पर भी थोड़ी रोशनी डालनी चाहिए कि चरण सिंह साहब गए थे समस्तीपुर उनके घर पर, और जो उनका पुश्तैनी मकान था उसमें जब चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हुए प्रवेश कर रहे थे तो सर टकरा गया वो, क्योंकि प्रवेश करने का जो दरवाज़ा था वो इतना छोटा। तो बोला, अरे कर्पूरी, अपना घर तुम नहीं बनवा सकते हो, इसको तो ज़रा दुरुस्त कराओ। बोले कि एक मेरे घर बन जाने से क्या होगा, जबकि बिहार की बहुतायत जनता के सर के ऊपर छप्पर तक नहीं है। तो जिस बात को वो प्रीच करते थे उसको अपने जीवन में उतारते भी थे, और अक्सर अपनी सभाओं में एक बात बोलते थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो अंबेडकर साहब कहते थे कि हमारी जनता सोई हुई इसलिए मैं जग रहा हूँ, तो इसको तो सही मायने में चुनावी राजनीति में रहते हुए कर्पूरी जी ने जीने का काम किया। और एक किस्सा कि 77 में कर्पूरी जी एमपी बन गए, सारे लोगों ने बताया कि वो चुनाव नहीं हारे, एक बार हारे थे वो 84 के वक्त। तो जब वो 77 में एमपी बन गए और पता चला कि कई राज्यों की सरकारें बर्खास्त हो गई हैं, तो फिर बिहार में तो गजब का उदाहरण पेश किया, 54 में 54 सीटें, उत्तर प्रदेश में 85 में 85 जनता अलायंस ने जीता। लेकिन कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री बनाना था तो विधानसभा का चुनाव उनको, एक देवेंद्र यादव जी फूलपरास से थे, उनको सीट खाली करा के लड़ाया गया। कर्पूरी जी बहुत चिंतित थे कि यादवों का इलाका है और 50 से ज़्यादा मुखिया उस इलाके में अगल बगल भी यादव जाति के जीते हुए थे, और जो उनके बरक्स उम्मीदवार थे रामजपाल सिंह यादव, वो भी उप मुख्यमंत्री रह चुके थे कांग्रेस से, और बहुत रसूख वाले और प्रभाव वाले। तो कर्पूरी जी चिंतित होते हुए अपने लोकदल के कार्यकर्ताओं और को जुटाया, पुराने लोगों को, तो बोले कि आप निश्चिंत होकर यहाँ से जाइए। और रामजपाल सिंह यादव को भी उनके रिश्तेदार सब बोलते थे, अरे हुजूर, अहाँ कुटमैती अहाँ कह अहाँ छोड़ के ककड़ा जीतेबे। और जब रिजल्ट आने लगे तो रामजपाल सिंह यादव बक्से से नदारद थे, और लोगों ने ढोल नगाड़ा बजाना शुरू किया तो वहाँ के समाजवादियों ने कहा, नहीं, जब तक जमानत जब्त नहीं हो जाती रामजपाल सिंह यादव की तो कोई जुलूस नहीं निकलेगा। और जमानत जब्त हुई, ये बिहार की धरती है, ये समाजवाद की मिसाल है, जहाँ की कोयरी हो, कुर्मी हो, यादव हो,
राजपूत हो, चाहे जिस जाति बिरादरी के हो, ब्राह्मण हो, जिसने समाजवाद को आत्मसात किया उसने कर्पूरी ठाकुर जी, जिस नाई समाज चाहते थे उसकी संख्या बहुत कम, उनको अपना नेता माना, दो दो बार मुख्यमंत्री बनाया। आज हम सबको भी जाति को तोड़कर अपने आप को जमात में बदलने की ज़रूरत है, तभी समाजवाद का कोई अर्थ रह जाएगा, नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ किताबों कागज़ों के पन्नों में महदूद होकर रह गया है। जो संसद में हम चित्र प्रस्तुत होते हुए देखते हैं वहाँ स्पीकर वगैरह को अपनी गरिमा वगैरह का कोई ख्याल नहीं है। और मेरा ख्याल है कि पीए संगमा सोमनाथ चटर्जी, मतलब हम लोग जितनी ज़िंदगी जिए हैं थोड़ी बहुत देखा है इस बचपने में, इन लोगों ने जिस तरह से सदन का संचालन किया था, सारे मुख्तलिफ आवाज़ों को जगह देते थे, सुमित्रा महाजन जिस तरह से 5 साल उन्होंने किया, इतनी कर्कश ढंग से, इतने अनग्रेसफुल ढंग से हाउस को कंडक्ट किया, तो लगता है कि आगे और बुरे हालात होने वाले हैं। हेमलेट एक प्ले है बहुत सेलिब्रेटेड शेक्सपियर का, कहते हैं कि देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, और उत्तर प्रदेश की हालत यही है, जिस तरह से चुन चुन कर एनकाउंटर हो रहे हैं। आप याद कीजिए चरण सिंह जी का ज़माना, लोकदल का ज़माना, दस्यु उन्मूलन के नाम पर जिन्होंने इस देश में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया, वीपी सिंह साहब की शख्सियत का एक स्याह पक्ष यह भी है, चुन चुन कर काउंटर एनकाउंटर होते थे। और आगरा के लोकदल के सम्मेलन में शरद यादव जी ने अनुमति मांगी थी चरण सिंह जी से कि इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाए जाने का मैंडेट चाहते हैं आपसे, वो नहीं तैयार हो रहे थे, लेकिन जब उनका कारुणिक भाषण हुआ और मुलायम सिंह जी का, तो उन्होंने कहा एकदम इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जाए, और चलाया गया, नहीं तो मुलायम सिंह जी भी मारे जाते। जिस तरह की अस्तरहीन ढंग से एक दूसरे को निशाना बनाने की कोशिश उस वक्त हो रही थी, तो आज पूरे देश में जिस तरह से ये NRC, CAA, NPR लाकर कम्युनलाइज करने की कोशिश समाज को हो रही है, और हम यह ना भूलें कि जो कुछ प्रोटेस्ट साइट्स हैं, शाहीन बाग हो, गया का शांति बाग हो, पटना का सब्जी बाग हो, बेगूसराय का लखमनिया चौक हो, या इंद्रलोक हो, बाकी कई आप, या मान लीजिए कि उधर कर्नाटका में हो रहा है, केरला में हो रहा है, आप इसको देखकर बहुत ज़्यादा अपने आप को तस्कीन ना दिलाएं। उनका काम शुरू है वहाँ, तो जिस तरह की बातें हो रही है, एक मैं आपको उदाहरण दूं, और जयशंकर साहब यहाँ हैं, कल ही हमारे प्रोफेसर बता रहे थे कि जिस ऑटो में सवार थे उस ऑटो वाले ने जिस तरह से बोला, एक बात बताइए, घर में 4 बेटे हैं, चारों को आपने हक दे दिया, ज़मीन बाँट दिया, और एक आदमी ज़मीन बेच कर किसी और गाँव में चला गया, या ज़मीन छोड़ के जैसे भी, तो आप क्या कीजिएगा, उसका बच्चा यहाँ रह जाएगा, तो फिर उसके बच्चे की आप परवरिश कीजिएगा? मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को वो 4 बच्चे की तरह देख रहा है जिसके ज़मीन जायदाद है, और एक ने अपना ज़मीन जाल बेच बेच के चला गया, वो ये कह रहे हैं कि इस देश में बाकी जो मुसलमान हैं उसके बाल बच्चे हैं तो उसका हमने ठेका ले रखा है, क्या है यह हमें बहुत चिंतित करता है। ये सिर्फ एक ऑटो रिक्शा वाले के मानस में बैठा हुआ नफरत का विचार नहीं है, बल्कि इसी तरह से गांव समाज में हो रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए पता नहीं किस तरह के तरीके अपनाए जाएं, सेकुलर इंडिया को कैसे बचाया जाए, ये कोशिशें हों, और कोई काट के छांट के टुकड़ों में देखने की ज़रूरत नहीं है। 84 में जिस तरह से इसी दिल्ली में हुआ उसको क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। और कर्पूरी साहब थे रामविलास पासवान जी के घर पर, और हमला हो गया वहाँ, भागे भागे गए ये लोग चरण सिंह जी के यहाँ, और फिर जाके जान बची। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से एक पॉलिटिशियन का, स्टेट्समैन का काम होता था, गांधी से आप देख लें कि वो पब्लिक बनाते थे, जनता जो सब कुछ जानती है, वेल इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म करना भी ये पॉलिटिशियन का काम होता था, उसको मास में तब्दील करते थे। आज क्या हो रहा है? हाईली अनइन्फॉर्म्ड, मिस इन्फॉर्म्ड, मिसलेड, और वो क्राउड में बदलती जा रही है, क्राउड से फिर फैन, और फैन से फैनेटिक, ये तो स्थिति है। इसको बदलना हम सब की जिम्मेदारी, चाहे जिस रूप में भी करें। मैं अखिलेश यादव जी के प्रति
बहुत शुक्रगुजार हूँ, और शुक्रगुजार क्या मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो कर्पूरी जी की जयंती पर छुट्टी घोषित उत्तर प्रदेश में की। और यह जो सरकार है यह संकेतों के सहारे चल रही है और सिंबल का महत्व समझती है, तो इसने क्या किया है, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में एक सड़क का नाम कर्पूरी जी के नाम पर रहेगा। अब वो तो अपना काम कर रहे हैं, और जनता आप पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित में लड़ते रहिए बटते रहिए, जबकि आंकड़े यह कहते हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने के बावजूद ग्रेड ए बी सी डी की केंद्र सरकार की नौकरियों को जोड़ दें तो सिर्फ 12% लोग आ पाए हैं। तो कौन किसकी हकमारी कर रहा है? इसलिए जाति बार जनगणना अगर 2021 में नहीं होगी तो ये CA, NPR और NRC ये सब इस समाज को तकसीम कराने का काम करेगा। तो एक ही हमारी मांग आज के इस गोष्ठी के माध्यम से हो कि जो 1931 की जातिवार जनगणना के बाद इस देश में कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ है उसको बाकायदा सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाए, जो पिछली UPA 2 की सरकार ने 4,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये बहा दिए, 4 टुकड़ों में उसको कराया। वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है जिसके आंकड़े भी ये जारी नहीं कर रहा, और अभी इस सरकार ने बयान दिया कि हम OBC को गिनेंगे। मैं हर जगह इस बात को दोहराता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग रिपीटिटिव कि भाई इसको हर हाल में कराया जाए, और भारत की जनगणना कानून 1948 के मुताबिक कराया जाए, तभी जाकर अंडर रिप्रेजेंटेड ओवर रिप्रेजेंटेड लोगों के आंकड़े सामने आएंगे और हम लोग एक समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। पूरे देश के अंदर जो समाजवादी धड़े हैं वो अगर इकट्ठे होकर मुकम्मल लड़ाई को लड़ने में अपनी प्रतिबद्धता दिखा पाएँ तो इस देश की जम्हूरियत निश्चित रूप से अपने आप को बचा लेगी, क्योंकि इसने बहुत ऊंच नीच देखा है। इस देश में इससे बड़े बड़े लोग आए और तमाम तरह के तिक्रम करके चले गए। 6 साल का कार्यकाल इसी देश ने देखा एक प्रधानमंत्री को बढ़ाते हुए लोकसभा का, और इस्तीफा देने वाले बस 2 लोग, मधुलिमय साहब और शरद यादव। वाजपेयी साहब को कहा कि आप क्यों नहीं देते, आप तो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। देना तो चाहता हूं लेकिन मैं दल के अनुशासन से बंधा हुआ हूं। तो उनके पास जस्टिफिकेशन के तमाम तरीके, तमाम एक्सक्यूज मौजूद हैं। तो इसलिए हम लोग नेक नियति के साथ आगे बढ़ें, कर्पूरी जी की तरह सादा जीवन उच्च विचार अगर अपना सकें जितना ही हो सके। वो तो जब गए कई देशों के प्रतिनिधिमंडल का जो जमावड़ा था तो वहाँ तो मार्शल टीटो ने देखा कि ये तो फटे हुए कोट के साथ आए हुए, अपना कोट गिफ्ट कर दिया। आज तो रात दिन शिवराज पाटिल की तरह कोट ही बदल रहे थे। हम लोगों को लगा शिवराज पाटिल पर ये जाके ख़त्म हो जाएगा। इस देश के मौजूदा वजीर आजम जो हैं उनकी तो इंतहा दिखावे की। तो भारत सच्चे अर्थों में अपने मूल्यों को जीता हुआ एक राष्ट्र के रूप में अगर दुनिया के सामने रखना चाहता है तो उसके नुमाइंदे भी अच्छे चुने जाएं। कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डर्स की जमात जो है संसद की शोभा ना बढ़ाए, यह हमारी भी जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट की भी जिम्मेदारी है कि कार्यकर्ताओं को चुनकर, सच्चे समाजवादियों को चुनकर, मसाजवादी समाजवादियों से थोड़ा परहेज करके। आपके उत्तर प्रदेश के गोसेवा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर KP यादव हमको एक बार बता रहे थे कि दरअसल 3-4 तरह के समाजवादी होते हैं। मैं इसके साथ खत्म करूंगा। एक तो खांटी समाजवादी जो एकदम सोशलिस्ट वैल्यूज और आइडियाज़ के साथ अपनी पार्टी के प्रोग्राम को, नीति को, कार्यक्रम को जनता तक पहुँचाता है और एक ब्रिज का काम करता है नेता और कार्यकर्ता और जनता के बीच, कनेक्टिंग लिंक। एक होते हैं मसाजवादी समाजवादी जो अपने लीडर्स का इतना ईगो मसाज करेगा कि लगेगा कि इन्हीं से हिंदुस्तान शुरू होता है, इन्हीं पर आर्यावर्त जाके ख़त्म हो जाता है। एक तीसरा समाजवादी है हुल्लड़ समाजवादी, और चाहे किसी पार्टी हो, हमारी पार्टी हो कि आपकी पार्टी हो, चाहे हरियाणा में ताऊ देवी लाल जी की पार्टी हो, खैर वो तो अब दूसरी दिशा में चली गई है। सरकार बनते ही एक फोटो नेताजी का इधर, एक लालू जी का इधर, एक ताऊ देवी लाल जी का इधर, एक झंडा इधर, एक झंडा, और जो मन सो करेगा और दूसरे को हड़काएगा, अपनी ही पार्टी के दूसरे तीसरे लोगों को। अब 20 वर्षा लोग हैं सब, 20 साल से जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, गर्त में तो यहाँ से जा रहा है। पार्टी का की जो संरचना है वही पूरी तरह से हिली हुई, चरमराई हुई है। और एक समाजवादी होता है जो दरी भी बिछाता है, कुर्सी भी लगाता है, टेंट भी लगाता है, बैनर पोस्टर भी छपवाता है, बंटवाता है,
हमको आज खांटी समाजवादी की ज़रूरत है, और तभी जाकर समाजवाद की जड़ें भी कोई मजबूत हो पाएंगी। नहीं तो जो कम्युनिस्टों का हाल हुआ, लैंडलॉर्ड सब कम्युनिस्ट होते चले गए, धन धरती बच के रहेगा अपना अपना छोड़ के, तो इस प्रवृत्ति से भी अगर हम मुक्ति पा सकें तो निश्चित रूप से हम एक जो तीसरा फ्रंट या समाजवादियों का जो एक धड़ा है उसको फिर से देखने में कामयाब हो पाएंगे। आपने मुझे इतने धैर्य से, स्नेह से सुना, आपका बहुत शुक्रिया।